क्योंकि हमने कर दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गया हूँ टीबी हॉस्पिटल। आज आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा कि टीबी हॉस्पिटल में कैसे पर्ची बनती है और किस तरीके से यहाँ पे लोगों को फ्री में यानी 10 रुपये की पर्ची कटती है और फ्री में पूरा इलाज होता है, जाँच से लेकर एक्सरे तक और पूरी दवाई मेडिसिन, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा जस भाई हिंद में। आज बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो इसकी वजह यही है कि मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदार को दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि उन्हें भी ऐसे ही कुछ सिम्टम्स है। तो आपको भी मैं कहूँगा, अगर आपको भी खांसी वगैरह या कोई सिम्टम हो तो आप ज़रूर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को ज़रूर दिखाएं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप सरकारी दिखाएं, लेकिन आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल भी प्राइवेटाइजेशन जैसी सुविधा आपको मिल जाएगी सिर्फ मात्र 10 रुपये की पर्ची में। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ एंड तक। आए थे 5 बजे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ होना स्टार्ट हो गई है, सब दिखाने के लिए आ गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ अब आना स्टार्ट हुई है। यहाँ पे लाइन लगता है और इस ओपीडी पे जाकर आपको पर्ची कटेगी। तो बने रहे वीडियो के साथ। सो गाइस, हमने पर्ची कटवा ली है और अब हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। डॉक्टर आएंगे 10 बजे और फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट करेंगे और जांच वगैरह जो लिखेंगे वो हम अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि कैमरा चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं तभी भी आपको ये दिखा रहा हूँ दिल्ली के टीबी हॉस्पिटल में किस तरीके से लोगों का इलाज 10 रुपये में होता है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ एंड। सो गाइस, वीडियो को यहीं पर करना पड़ेगा एंड, क्योंकि हॉस्पिटल की ऐसी कंडीशन थी वहाँ पर लोगों की, जिसके कारण मैं वहाँ की वीडियो सही से नहीं कर पाया पूरा आपको दिखाता। लेकिन वहाँ पे ऐसे ऐसे मरीज आए थे जिनको चलना तक दूर सही से बैठा भी नहीं जा रहा था, ऐसे ऐसे पेशेंट थे, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग पूरी सही प्रकार से नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आगे की वीडियो आपको अच्छे से मिलती रहेगी, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बने रहे हमारे वीडियो के साथ जस्ट भाई हिंद में।